बैंक टू सर में छोटे क्वेश्चन बैंक टू से मैच को फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन का है। क्वेश्चन नंबर टू थ्री मैंने कल आपको बता दिया था, आज मैं आपको बता रही हूँ मैच द फॉलोइंग मैच करना है इसको क्वेश्चन बैंक टू का। क्वेश्चन नंबर इधर दो कॉलम बना हुआ है, इसमें एक कैपिटल लेटर दिया हुआ है ए से लेकर के एच तक, एक स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। तो कैपिटल को स्मॉल से मैच करना है, तो आपको इसमें से संदेह वर्ड को पढ़ना होगा, पकड़ना होगा इसमें से कौन सा आंसर कहाँ क्या लगेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है ए नंबर में है लाइन, बी में है लाइन सिग्नल, सी में है रे, टी में क्यूबाइट, ई में क्यू, एफ में सिलेंडर, जी में को और एच में स्क्वायर। तो इसको इसके साथ मिलाना है। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ देखते हैं किसके साथ इसका मैच होगा। आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन का ए में लाइन, तो लाइन हम इसमें से लाइन को मिलाएंगे नो डिफिनिट लेंथ, इसमें हम यहाँ लिखेंगे नो डिफिनिट लेंथ। वैसे हम इसको लाइन खींच के भी मिला सकते हैं, पर यहाँ लाइन नहीं खींच करके हम इसे यहाँ पर नंबर लिख करके मिला रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के बगल में जो कैपिटल लेटर लिखेंगे वो आपका सही मैचिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है आपको लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, हम कोई भी लाइन को लाइन खींचते हैं तो उसे किसी भी पेपर के ऊपर खींचते हैं, तो कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर यहाँ लिखेंगे बी नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है रे, रे को हम मिलाएंगे हैज वन इन पॉइंट, रे में वन इन पॉइंट होता है, तो यहाँ सी को मिलाएंगे इससे रे। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है रे, मैचिंग में रे को हम मिलाएंगे यहाँ हैज वन इन पॉइंट से। अब आइए इसमें से डी नंबर, डी नंबर में दिया है क्यूआइट, डी नंबर क्यूआइट दिया है इसको हम मिलाएंगे क्यूआइट, इसमें से कौन सा वन वर्टेक्स मैच बॉक्स टू सर्कुलर एस, तो इसमें हम मिलाएंगे मैच बॉक्स। मैच बॉक्स जो है ये क्यूआइट के आकार का होता है, इसलिए हम इसको यहाँ डी नंबर देंगे और दूसरे मिलाएंगे। अब आइए इसमें से ई, ई में कह रहा है क्यू, क्यूब का किसके साथ मैचिंग होगा, तो क्यूब मैचिंग होगा डाइस के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं डाइस क्यूब के आकार का होता है, यहाँ लिखेंगे ई। ओके अब आइए क्यूब के बाद आता है सिलेंडर, एफ नंबर में सिलेंडर, और सिलेंडर को हम यहाँ किसके साथ मैच करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे सिलेंडर में टू सर्कुलर एजेस होता है, इसलिए इसको हम एफ नंबर से यहाँ मिलाएंगे। अब आइए इसमें से सिलेंडर को गया बचा कोन, कोन यानी जी नंबर, तो कोन को हम यहाँ से मिलाएंगे वन वर्टेक्स, कोन में आप लोग जानते हैं कि उसमें एक ही वर्टेक्स होता है, तो कोन को हम यहाँ मिलाएंगे वन वर्टेक्स यानी जी नंबर। तो अब एक बच गया है स्क्वेयर, एच नंबर स्क्वेयर, स्क्वेयर को हम मिलाएंगे इसमें से वन कर्व फेस, वन कर्व फेस से इसको मिलाएंगे। इस तरीके से ये मेरा मैच कंप्लीट हो गया। अगर हम चाहे इसमें लाइन खींच सकते हैं, बट लाइन खींचने से ये बिल्कुल गंदा हो जाएगा, तो ये हम कैपिटल लेटर को यहाँ लिख दिए हैं साइड में, इसको आप इसके साथ मैच करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और मैचिंग भी सही बनेगा। जैसे हम इसमें से देख लेंगे एक बताएंगे ए नंबर में है लाइन, ठीक है, तो लाइन नो डिफरेंट लेंथ, इसको हम इसके साथ मिला सकते हैं, ऐसे लाइन खींच करके भी हम बना सकते हैं। तो अब हम लाइन अगर खींचेंगे तो ये बिल्कुल गंदा हो जाएगा, और हम इसका नंबर साइड में लिख चुके हैं, इसलिए आपको इस जो भी नंबर है इसमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के साथ मिला दिए हैं और इस लेटर को हम उस साइड में लिख दिए हैं, इससे हमारा मैचिंग कंप्लीट हो गया। और अब हम ध्यान देंगे इसे हम इस लाइन से मिलाएंगे, बी में दिया हुआ लाइन सिग्नेट को हम इसमें से देखेंगे लाइन सिग्नेट क्या है,
can be drawn on paper. Can be drawn on paper. ऐसे तो ध्यान देंगे इसी तरीके से हम इसे पूरा लाइन नहीं खींचेंगे वरना लाइन खींचने के बाद ये बिल्कुल गंदा हो जाएगा। इस नंबर को हम इधर लिख दिए हैं, साइड में लिख दिया है, इसके साथ इसको मैच कर दिए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से बनाएंगे और कॉपी में लिखेंगे, याद भी करेंगे। ओके, इस मेथड में आप इसे अच्छे से सारे वर्ड को पढ़ेंगे, इस वर्ड को इसके साथ मैच करेंगे और मैच करने के बाद आप कॉपी में लाइन खींच सकते हैं। कॉपी में लाइन खींचेंगे तो कॉपी गंदा नहीं होगा, आराम से साफ साफ लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए पूरे में लाइन नहीं खींचे हैं, लाइन खींच करके मैच नहीं किए हैं, बल्कि नंबर दे करके यहाँ मैच कर। इस तरीके से हमारा मैच कम्प्लीट हो गया। तो असाइनमेंट 14 में क्वेश्चन बैंक 2 का करेक्टर 1, 2, 3 आपका कम्प्लीट हो गया है। अब बच गया है उसमें से भी शायद ट्रू फॉल्स होगा उसमें, तो आप उसको खुद से पढ़ करके बना सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको दूसरे मैथ के साथ बताऊंगी। तब तक आप प्रैक्टिस में मैथ को रखिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और बनाते रहिए। ओके बच्चों, बाय, सी यू।